हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है सुधांशु एक्सपेरिमेंट में। आज गाइज एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ आया है। गाइज खाना बनाते समय आपके घर में गैस खत्म हो जाए तो रोटी कैसे बनाए, आज गाइज देख लीजिए। एक मेरे पास लोई है, आटा की लोई है, मम्मी खाना बना रही थी उसी में से एक लोई निकाल लिए है। आज गाइज इसको बनाने वाले है, रोटी अलग तरीके से बनाने वाले है। चलिए गाइज किस तरह से बनाते हैं वीडियो बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देख लीजिए गाइज मेरे पास एक आयरन है, मेरे पास एक देख लीजिए हॉट गन है। इसी से गाइस पहले ये गाइस आयरन है, इससे गाइस बनाने वाले हैं। देखते हैं क्या बन पाता है कि नहीं। वीडियो बन रहा है, फिर इसे नहीं बन पाएगा तो होटल से बना के देखने वाले हैं कि बनता है कि नहीं। वीडियो बन रहा है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को रोटी गाइस बेल लेते हैं। सबसे पहले गाइस देख लीजिए ये मेरे पास चौकी है, ये बेलना है। इसी पे गाइस पहली बार बेलने वाले है। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा आटा ले लिए है, इस पर सटे नहीं। इस तरह से गाइस इसको बेलेंगे, इसको भी पहली बार ही बेल रहे हैं। देखते हैं भारत का नक्शा बनता है कि रोटी बन जाता है। ये रोटी को बेल लिए हैं, इसे गाइस इस पर पकाने वाले हैं तो इसके हिसाब से गाइस काटना पड़ेगा। चलिए इसको पहले काट लेते हैं। ले लिया कटोरा, जो मिक्सी का जो कटोरा होता है इसी का साइज का मिल गया तो ले लिए। इसको पहले इस तरह से गाइस काटेंगे, इसको इस तरह से। इस तरह से गाइस काटेंगे। ऐसे गाइस पहले गलम कर लेते हैं, फिर इसको खोलकर इसको पलक में लगाते हैं। इसी गाइस पलक खोस दिए हैं, देख लीजिए गरम हो रहा है यहाँ पर। देख लीजिए गाइस ऑटो कट हो जाएगा तब फिर रोटी को इस पर रखेंगे। चलिए गाइस थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा ऑटो कट के लिए। इसको रखते हैं इस तरह से। इसमें गाइस थोड़ा देर ही छोड़ देंगे इस पर। देख लीजिए गाइस इस तरह से हुआ है। इसको गाइस आप पलट देंगे इस तरह से। रोटी थोड़ा सा गाइस मोटा हो गया था आटा, गाइस पहले बार ना बना रहे हैं इसलिए मोटा हो गया है। ये गाइस देख लीजिए ढेर सारा मोटा है, ये ज़्यादा मोटा हो गया है। ये गाइस इसको पलटते हैं तब फिर जाकर फूलेगा ये। ये फूल रहा है, इस पर थोड़ा सा दबाना पड़ेगा तब जाके फूलता है। देख लीजिए गाइस रोटी बनकर तैयार हो गया है। एक गाइस फूला हुआ था, देख लीजिए यहाँ पे फट गया, फूला था फट गया गाइस बहुत अच्छे से। एक गाइस सिंक गया, कैमरा में गाइस नहीं दिख रहा होगा अच्छा से, लेकिन देख लीजिए गाइस ये अच्छे से ये फूल गया है। चलिए गाइस ये थोड़ा सा मोटा हो गया था, थोड़ा लेट लगा है इसे गाइस। चलिए एक बार और देखते हैं बनाकर, थोड़ा सा रोटी जो पतला है पतला करेंगे फिर बनाकर दिखाते हैं आपको, देखते हैं क्या होता है। हॉट गन से गाइस देखते हैं बनाकर बन पाता है कि नहीं। यहाँ पर देख लीजिए गाइस हॉट गन, देख लीजिए ये हॉट गन है। ऐसे से गाइस बनाने वाले हैं। ये गाइस बहुत ज़्यादा गर्म होता है, देख लीजिए लाल हो गया होगा, देख लीजिए। अब देख लीजिए गाइस इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। अब इसे गाइस पलट देंगे, देख लीजिए इस तरह से हो गया है। ऐसे गाइस पलट देंगे अब। अब इसे गाइस देख लीजिए अच्छे से सिंक गया है। ये पार्टी गाइस पलटेंगे अब ये पार्टी करेंगे। अच्छी तरह से गाइस देख लीजिए सिंझ गया है, इसमें गाइस कहीं कच्चा नहीं है। ये गाइस गैस खत्म हो जाए इस तरह से गाइस आप बना सकते हैं। गाइस आयरन से भी बन जाएगा, ये गाइस इससे तो कहना ही नहीं है। देख लीजिए गाइस ये अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, इसमें गाइस कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं कच्चा नहीं है, अच्छे से पक गया है। आपके घर में रोटी बनाते समय गैस खत्म हो जाए, घर में हॉट गन होगा उससे गाइस बना सकते हैं, और नहीं तो आयरन है उससे भी गाइस बना सकते हैं। चलिए गाइस बनकर तैयार हो गया। चलिए गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
फिर मिलते हैं कोई अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।